रात को लेट नाइट कॉल आता है कि मैं खालिद बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से मंडोली शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप कल मुझे मिलने आ जाना। मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं, तो बोले मैं ठीक हूँ, बस तुम कल सुबह मंडोली आ जाना। एक आवाज़ में दर्द और घबराहट थी उनके। शाम तक हमें कोई खबर नहीं मिल रही थी, किसी से मिलने नहीं दिया गया उनको। कुछ हमारे वकील और कुछ साथी पहुँचे थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। जब मैं उनको सुबह में मंडोली जेल पहुँचती हूँ तो मैंने उनको देखा कि वो व्हील चेयर पर आ रहे हैं। टॉर्चर में आधा से पौना घंटा उनको 8 से 9 पुलिस वालों ने बेइंतहा मारा है। मैंने उनसे कहा कि एक साफ कपड़ा दे दो ताकि मैं यहाँ पे नमाज पढ़ लूँ, तो उनके अल्फाज थे कि अभी रुक जा, अभी नमाज पढ़ा दे। उनको खींच के बाथरूम में ले जाया गया, वहाँ पे एक टब में पानी था, उनका बार बार चेहरा पानी में डाला जा रहा था, उनके चेहरे से नाक से खून निकल रहा था। उसमें से एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को बोला कि इसके ऊपर पेशाब कर। मैं नरगिस सैफी, खालिद सैफी की वाइफ, जिनको पिछले एक साल से यूएपी के तहत कैद करा हुआ है, जिनके ऊपर चार्जेस तो बहुत बड़े बड़े हैं पर उन्होंने कुछ करा नहीं है। शुरुआत दिल्ली दंगों के दौरान से ही हुई थी, जब दिल्ली में एक पूरी कम्युनिटी को तहस नहस करा जा रहा था, बर्बाद करा जा रहा था। उस टाइम पे खालिद सैफी और उनके कुछ साथी मिलके इस कोशिश में लगे हुए थे ताकि वो किसी तरीके से रुक सके। इसके लिए सीएम हाउस गए थे 25 को जब सीएम हाउस गए थे तो सीएम हाउस पे हम लोगों को रोका गया पुलिस के द्वारा। पुलिस ने सीएम से मिलने नहीं दिया। वहाँ पर खालिद सैफी और जो साथी गए थे उनको डिटेन कर लिया गया था 25 फरवरी को। जब कुछ घंटे बाद उनको रिलीज़ कर दिया, पर उसका कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि सीएम से मिलने नहीं दिया गया। कहा कि बिज़ी हैं, नहीं मिल सकते, पर उनको इतना ज़्यादा बिज़ी थे कि वो आम जनता का सीएम अपने आप को कहते हैं पर आम जनता से मिलने का उनके पास वक्त नहीं था। 25 को इतनी अफरा तफरी मच रही थी, फिर मेरे हस्बैंड का डिटेन हुआ, उसके बाद हम लोग घर आए, हमारे यहाँ पर भी हंगामा हो रहा था। नेक्स्ट डे पूरी रात उन्होंने कोशिश करी कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलके कि जहाँ पे दंगा हुआ है वहाँ पर दवाइयाँ, बैंडेज या किसी तरीके से कोई एम्बुलेंस पहुँच सके। इसी तकरीबन पूरी रात निकल गई इसी चीज़ में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम लोग उठे नाश्ता करने के बाद, हमारे यहाँ पे खुरेजी में अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई। ये बात बहुत क्लियर है कि वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ, जो कि मीडिया बता रहा है कि खुरेजी में भी दंगा हुआ था, वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। 26 को मेरे हस्बैंड के पास कॉल आता है कि प्रोटेस्ट साइट पे पुलिस ने ट्रैक डाउन करा है, वहाँ को तोड़ा गया है, प्रोटेस्ट साइट तोड़ी गई है, तो आप आ जाइए यहाँ और किसी तरीके से ये सब रुकवा दीजिए। तो हमारे इलाके में वो एक ज़िम्मेदार इंसान है, एक बार ही प्रोटेस्ट साइट पे रात को 3 बजे पुलिस ने क्रैकडाउन करा था जिसमें खालिद सैफी खुद गए थे, तो उन्होंने उस रात में वो लाइव वीडियो चलाया था जो काफ़ी वायरल हुआ है। उस वीडियो के एवज में उनको वो टारगेट पे थे हमारे वो जगतपुरी थाने की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर सारे बड़े ऑफिसर्स आए थे रात को, कब्रिस्तान में घुस के प्रोटेस्ट साइट की लाइट काटी गई थी, तो ये सब एक मामला था जिसके बाद प्रोटेस्ट कुछ दिन चला था। अभी 26 को जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो प्रोटेस्ट साइट के पास नहीं पहुँचते, उसे कुछ दूर पर उनको पुलिस पकड़ लेती है, वो खुद से जा रहे हैं। ये सब वीडियो में क्लियर है कि किस तरीके से वो खुद से गए हैं और पुलिस ने उनको खुद से पकड़ा है। वो बात करने के लिए उनके हाथ में से फ़ोन छीना है और उनको सीधा अरेस्ट करा है। जिस जगह से अरेस्ट करा है वहाँ से जगतपुरी थाने की टाइमिंग 5 to 7 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे है, उनको पैदल ही लेके गए हैं जगतपुरी थाने तक।
अभी जगतपुरी थाने पहुंचने के बाद में हम लोगों को नहीं पता कि किस कहां से अरेस्ट करा है, क्या हुआ है। कुछ लोग आए थे जो बोल रहे थे कि उनको इस तरीके से अरेस्ट कर लिया गया है। शाम तक हमें कोई खबर नहीं मिल रही थी, किसी से मिलने नहीं दिया गया उनको। कुछ हमारे वकील और कुछ साथी पहुंचे थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, किस तरीके से उनको रखा गया, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको क्या करा उनके साथ, हमें कुछ नहीं पता। रात को लेट नाइट कॉल आता है कि मैं खालिद बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ से मंडोली शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप कल मुझे मिलने आ जाना। मैंने पूछा उनका आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं, तो बोले मैं ठीक हूँ, बस तुम कल सुबह मंडोली आ जाना। एक आवाज़ में दर्द और घबराहट थी उनके, मैं तब भी नहीं समझ पा रही थी कि उनके साथ हुआ क्या है। पर जब नेक्स्ट डे मैं उनको सुबह में मंडोली जेल पहुंचती हूँ तो मैंने उनको देखा कि वो व्हीलचेयर पे आ रहे हैं, उनके दोनों पैरों पे प्लास्टर है, उनके हाथ में प्लास्टर था, उनके हाथ पैरों पे डंडे के निशान थे, मारने के निशान थे, उनका चेहरा नोचा गया था, उनकी दाढ़ी उखाड़ी गई थी जो कि आगे के बाल नहीं थे, माथे पे आगे से बाल टूटे हुए थे, उनके आगे बाल नहीं थे, टूटे हुए थे, उनके चेहरे पे ऐसे खसोटने के निशान थे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद से देखी हैं, ये खालिद ने जब तक कुछ भी नहीं बताया था। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी उनको फर्स्ट उस दिन देखकर। मैं मुझसे पूछा भी नहीं गया उनसे कि आपको क्या करा, कैसे करा, बस मैं उनको देखती रही कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको किस चीज़ का बदला मिला है या उन्होंने ऐसा क्या करा है जो ये सब हुआ। कुछ टाइम इन्हीं सब चीज़ों में निकल गया, एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, जैसे ही कोई मामला होता तो वो तीसरा केस, दूसरा केस, इस तरीके से वो केस लगा दिए उन लोगों ने। और तीनों ही केस एक ही चीज़ के, दिल्ली दंगों के। अभी कुछ टाइम से हम लोगों की बातें होनी शुरू हुई हैं और मैं भी लास्ट टाइम मिल के भी आई थी उनसे, तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पूछी थी, उनको किस तरीके से टॉर्चर करा गया। अभी टॉर्चर में आधा से पौना घंटा उनको 8 से 9 पुलिस वालों ने बेइंतहा मारा है, उनको लाठी से, पट्टों से, पैरों से, उनसे उनको पहले नीचे वाले कमरे में रखा गया था। खालिद ने बताया कि मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही थी, शायद मेरे लिए आवाज़ लोग आवाज़ कर रहे थे वहाँ पे कि रिहा करो, पर जैसे ही वो लोग वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी तो उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, गुस्से में आए, मुझे ले जाकर ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा कि एक साफ कपड़ा दे दो ताकि मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ, तो उनके अल्फाज थे कि अभी रुक जा, अभी नमाज़ पढ़ाते हैं। बाद में 4-5 पुलिस वाले आते हैं, आते ही सीधा उनको मारने लग जाते हैं, बेइंतहा मारते हैं। उन्होंने बोला कि मैं एकदम ऐसा बेहोश सा हो गया था। एक पुलिस वाले ने उसमें से उनकी दाढ़ी खींची और दाढ़ी खींच के उनके हाथ में बाल आ गए थे, तो उसने बोला कि ले अब हमने तेरी दाढ़ी भी खींच ली, अब बता तू क्या करेगा, और बनाएगा वीडियो और करेगा नेतागिरी। तो ये उनके अल्फाज थे, ये उनकी हैवानियत थी। हैवानियत सिर्फ यहाँ मारने पीटने पे नहीं रुकी, उनको खींच के बाथरूम में ले जाया गया, वहाँ पे एक टब में पानी था, उनका बार बार चेहरा पानी में डाला जा रहा था, उनके चेहरे से नाक से खून निकल रहा था। पर वो यहाँ भी नहीं रुके, उसमें से एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को बोला कि इसके ऊपर पेशाब कर। तो मैंने एकदम शॉक्ड होके पूछा क्या ये बात, ये करा उन लोगों ने, तो बोले मुझे कुछ नहीं पता कि करा कि नहीं करा, मैंने सिर्फ ये सुना। पर वो इतनी हैवानियत पे उतरे हुए थे, अगर कर भी दिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ सब कुछ पानी पानी हो रहा था। उन्होंने ले जाके एक दोबारा दूसरे कमरे में डाला जहाँ पे बड़े ऑफिसर्स कोई पुलिस वाले आए थे, उन वो बार बार चिल्ला रहे थे, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उन सुबह नाश्ता जो घर से करके गए थे उससे लेकर रात तक उन लोगों ने उनको पानी तक भी नहीं दिया। वो बार बार अपने लिए हेल्प मांग रहे थे कि मुझे किसी तरीके से, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे व्हीलचेयर ही दे दो। पर वो लोग हंस रहे थे, लगातार हंस रहे थे उनके ऊपर, मानो कि वो ये कह रहे हो कि और उठाएगा लोगों के लिए आवाज़ और करेगा प्रोटेस्ट, बस उनकी ये हंसी ही चल रही थी। बल्कि उनको जब अरेस्ट करके ले जा रहे थे तब भी उनसे ये बोला था
आ जा तुझे हम बड़े वाले अपने बड़े अफसर से मिलवाते हैं। जब इन्होंने बोला कि क्यों मिलवा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो कहने लगे चल आज तेरा एनकाउंटर करेंगे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाते में उनसे ये बोला गया था कि पुलिस तुम्हें डॉक्टर्स को ये नहीं बताना कि ये तुम्हें टॉर्चर करा गया है, बता देना कहीं गिरे हो, इस तरीके से ये चोटें लगी हैं भीड़ में। रात में जब उनको हमें लगा कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, हमारे कुछ मेरे भाई मेरे जेठ वगैरह गए थे, उनको ये बोला गया कि अभी डॉक्टर के यहाँ गए हैं, अभी घर हैं, अभी वो वहाँ थाने जाएंगे, फिर वहाँ पे कोर्ट जाएंगे। पर उनको कोर्ट में पेश नहीं करा गया, एक अलग कोर्ट लगी थी पार्किंग में, तो उनको पार्किंग में ही पेश करा गया। अब पार्किंग में जब पेश करा तो जज साहब से वो और कस्टडी चाहते थे उनकी, शायद इस बार उनको मारने का ही इरादा हो। पर जज साहब ने जब उनकी हालत देखी और उन्होंने भी जज साहब को सारी हकीकत बताई कि किस तरीके से उनको टॉर्चर करा गया है, तो जज साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि इनको मंडोली जेल शिफ्ट करेंगे, जेसी देंगे। तो जज साहब से उन्होंने बोला कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे व्हीलचेयर, तो बोले कि वहीं व्हीलचेयर भी मिल जाएगी। और खाने पीने के लिए जज साहब ने खुद ने उनको चाय और बिस्किट मंगाए थे, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये भी उन्होंने जज साहब से ही कहा कि मुझे कुछ नहीं दिया है, मेरा डायबिटीज़ लो हो रहा है, मुझसे मेरे को बेहोशी आ रही है। तो पर उनको जब मंडोली शिफ्ट कर ले जा रहे थे तो उनको अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था चारों तरफ, तो उन्होंने पूछा भी पुलिस वालों से कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनकी खुद की हालत ऐसी नहीं थी। तो उनसे तब भी ये बात बोली गई थी कि हम तेरा एनकाउंटर करने ले जा रहे हैं। तो उन्होंने ये मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों पूछा था आपने, तो कहने लगे कि इतना अंधेरा हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि शायद ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जब रोशनी नज़र आई, उनको जेल नज़र आई, तो उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आई कि चलिए अब मंडोली जेल शिफ्ट कर देंगे। अब रही बात मंडोली जेल की, तो कुछ साथी होते हैं, या यूं कहिए कि खुदा भेज देता है आपकी हेल्प के लिए। वहाँ पर लोगों ने, मैं जब खालिद से मिली थी तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि जेल के अंदर लोग कम्युनल तो हैं, क्रिमिनल तो हैं, पर कम्युनल नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर उन लोगों ने मिलके खालिद का जब प्लास्टर हट गया, क्योंकि हम बहुत परेशान रहते थे कि उनके पैरों में प्लास्टर है, वहाँ पे सब काम कैसे हो रहे होंगे, उनको किस तरीके से हेल्प हो रहा होगा, पर लोगों ने उनकी वहाँ हेल्प करी, उनको उठने बैठने में, उनको नहलाने में। उनके जब प्लास्टर हट गया तो उनसे फिर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि मसल डैमेज, एक पैर में क्रैक आया था और दोनों पैरों के मसल डैमेज हो चुके थे। तो उनके पैरों में मालिश करी, तो इस तरीके से उनकी ये सब पूरा हुआ। पर अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये UAPA क्यों लगाया, जब तीनों केसों में सेम चार्जेस लगाए हुए हैं इन लोगों ने, तो UAPA क्यों लगाया है। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।